नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। रोजाना की तरह हम फिर से हाजिर हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम आज का राशिफल लेकर, जहां हम आपको बताते हैं आज का दिन आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बता दें आपको, राशिफल का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व होता है, बहुत महत्व होता है राशिफल का हमारे जीवन में। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा समान नहीं होती। आज 10 अप्रैल शनिवार का शुभ दिन है और आज शनि देव की कृपा कुछ राशियों पर विशेष तौर पर रहने वाला है, जिससे इनका भाग्य खुल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं क्या कहती है आपकी राशि। आज शनि देव की कृपा कुछ राशियों पर विशेष तौर पर रहने वाला है, जिससे इनका भाग्य खुल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं क्या कहती है आपकी राशि। चलिए बताते हैं आपका राशिफल और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? ग्रह परिस्थिति आपके पक्ष में है, कार्य की अधिकता रहेगी, परंतु आज की गई मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होंगे। धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से आपका आत्मिक उत्थान होगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि वृष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? संतान की किसी समस्या को हल करने में आपका सहयोग सकारात्मक रहेगा। युवाओं को अपनी शिक्षा के अनुरूप ही जॉब मिलने से प्रसन्नता रहेगी। धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? इस समय ग्रह गोचर आपके अनुकूल है, आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में और अधिक वृद्धि होगी। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े युवा वर्ग को जल्द ही कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होगी। आज कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी सी सावधानी बरतने से आपकी काफी समस्याएं हल भी हो जाएंगी। जॉब करने वाले व्यक्तियों को विदेश से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, परंतु आप घर और व्यवसाय दोनों में सामंजस्य बनाकर रखने में सफल भी रहेंगे। गैस और एसिडिटी की समस्या बनी रहेगी, जिसकी मुख्य वजह आपका असंतुलित खान पान और दिनचर्या ही है। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? कुछ समय से चल रही किसी परेशानी का हल ढूंढने में सफल होंगे। पारिवारिक सदस्य के विवाह से संबंधित योजनाएं भी बनेगी। युवा वर्ग को अपनी पहली इनकम मिलने से बहुत अधिक खुशी महसूस होगी। कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा अवश्य करें, परंतु फिर भी प्रतिस्पर्धा संबंधी परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह घर की व्यवस्था को उत्तम बनाकर रखेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सिर्फ वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखना जरूरी है। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में आपका प्रयास सफल रहेगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे। विद्यार्थियों को जल्द ही विदेश जाने के अवसर सुलभ होंगे। गुड़ विद्या के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। आज अधिकतर समय मार्केटिंग तथा बाहर की गतिविधियों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाएगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में आपके निर्णय सर्वोपरि रहेंगे। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या में फंस सकते हैं, अतः सावधान रहें। जीवन साथी का सहयोगात्मक रवैया आपको तनाव मुक्त रखेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपस में उचित सामंजस्य बना रहेगा। किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी और पुनः आप अपने कार्यों पर पूरी ऊर्जा से ध्यान दे पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? आज नए नए आइडिया दिमाग में आएंगे। आपका पूरी तरह से अपने कार्यों के प्रति समर्पित होना आपको सफल करेगा।
परिवार तथा मित्रों के साथ मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में भी समय व्यतीत होगा। कार्य क्षेत्र में स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी, परंतु यह ध्यान रखना जरूरी है कि सफलता हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। जॉब करने वाले व्यक्तियों को बता दें कि आपका अपने ऑफिस में वर्चस्व बना रहेगा। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे तथा रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। जॉब करने वाले व्यक्तियों का अपने ऑफिस में वर्चस्व बना रहेगा। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे तथा आपसी सामंजस्य उचित बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। नींद ना आने जैसी समस्या परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। इस समय अपने लक्ष्य को हासिल करना आपकी प्राथमिकता रहेगी और सफलता भी मिलेगी। किसी धार्मिक या सामाजिक समारोह में जाने का अवसर मिलेगा। रिश्तों की मजबूती बढ़ाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। व्यवसाय में किसी भी तरह की साझेदारी के लिए समय अनुकूल है। इस समय भाग्य पूर्ण रूप से आपको सहयोग कर रहा है। जी हाँ, बता दें आपको कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। जॉब करने वाले व्यक्तियों को स्थानांतरण संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है, साथ ही तरक्की भी संभव है। पति पत्नी का आपसी सहयोग घर परिवार के वातावरण को मधुर बनाकर रखेगा। प्रेमी प्रेमिका को भी डेटिंग पर जाने के अवसर सुलभ होंगे। अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान हावी रहेगी। दिनचर्या को व्यवस्थित रखना अति आवश्यक है। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। परिवार के साथ घर की साज सज्जा से संबंधित वस्तुओं की खरीदारी में समय व्यतीत होगा। कोर्ट के संबंधी मामलों में सफलता मिलने के आसार हैं। चलिए बात करते हैं अगली राशि। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। दिन की शुरुआत बहुत ही सुखद होगी। कुछ समय से चल रहा मन में कोई द्वंद्व समाप्त होगा। आप अपने रुचिपूर्ण कार्यों के लिए भी समय निकाल लेंगे। किसी प्रियजन से मुलाकात सबको खुशी देगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। समय से चल रही किसी चिंता या तनाव से आज कुछ राहत मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य की नींव रखने के लिए आज का दिन उत्तम है। इस समय अतिरिक्त आय की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। लोगों से भेंट मुलाकात करने तथा सामाजिक सक्रियता बढ़ाने में आपको सफलता मिलेगी। यह समय आत्म अवलोकन तथा आत्म मंथन करने का है। कोई महत्वपूर्ण अभिलाषा पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा। नए कार्य की शुरुआत की योजनाएं भी बनेगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आप अपनी बुद्धि बल व चतुराई से प्रत्येक समस्या का समाधान बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। समाज में आपकी योग्यता व काबिलियत की सराहना होगी। विनम्रता व सौम्यता से फंसा हुआ पैसा निकालने का प्रयास करें, सफलता मिलेगी। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट राउंड स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।